नमस्कार, सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। डीएनएच पंजाबी एसोसिएशन सिलवासा द्वारा किया गया लोहरी पर्व का आयोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में दानहा दमनदेव के प्रशासक के सलाहकार एके सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी धनंजय सिंह, दमन समाहर्ता राकेश मिन्हास, साथ ही भारी संख्या में सिलवासा, दमन और वापी के सिख समुदाय के लोग रहे उपस्थित। पेश है रिपोर्ट। तमाम मेहमान, आप सबको आज लोहड़ी के इस पर्व पर लाख लाख बधाई। मैं आप सबका आज की शाम में दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम, जी आया नो, गुड इवनिंग को वेलकम करता हूं और जी आया कहता हूं। तो आज की जो शाम है उसका आगाज हम करने जा थैंक यू। कुछ पेट्रोल को भी पाया
ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਰੇਬਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਮਿਸਟਰ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ। ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। जो लोहरी का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है? आपको शायद पता है लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, इन सारे नामों से एक ही प्रकार का त्यौहार हमारे देश में प्रांत प्रांत में मनाया जाता है। इसको लोहड़ी भी बोलते हैं, लाला लोई भी बोलते हैं सिंधी और पंजाबी। मकर संक्रांति के एक रात पहले लोहड़ी जलाते हैं और इसमें ये खास करके अपने घरवार परिवार की खुशी के लिए इसमें भगवान से पूजा अर्चना अरदास की जाती है कि आपका पूरा साल अच्छा रहे और जो संक्रांति का जो सूर्य का चक्र मकर राशि में घूमता है उसके बाद का पूरा साल बहुत अच्छा रहे। DNH पंजाबी एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट सरदार गुलविंदर सिंह जी हैं, वो इस कार्यक्रम को, जो हमारे गुरुद्वारे के भी प्रधान हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से आयोजन कर रहे हैं। और ये अभी 2009 के बाद 2018 में और अभी 2020 में ये दूसरी तीसरी बार अभी लोहड़ी का ये कार्यक्रम सिलवासा में आयोजित हो रहा है, जिसमें सिलवासा, दमन, वापी तीनों क्षेत्रों के लोग मौजूद हैं, वो भाग ले रहे हैं और इसमें डांस, गाना इस तरह का करके प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें महिलाओं का खास योगदान है, जो वापी से, सिलवासा, दमन तीनों जगह से वो प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। और आप लोग देख ही रहे हो कि स्टेज पे भांगड़ा, गिद्दा, गीत, संगीत, महिलाएं और बच्चे बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दमन के कलेक्टर साहब और फॉरेन सेक्रेटरी साहब सब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति करके हमें आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। कार्यक्रम है पूरा, आपने देखा होगा इस समय के वापी, सिलवास, दमन के जितने भी पंजाबी परिवार हैं, तकरीबन 450 के मेंबर्स हमारे यहाँ पर हाजिर हैं। और इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो भी आपने देखा होगा। और हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के एडवाइजर द एडमिनिस्ट्रेटर श्री AK सिंह जी, और उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह जी, और उसके साथ साथ मिस्टर मन्हास जो दमन के कलेक्टर हैं, उन्होंने सभी ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ हाजिरी भरी है और यहाँ का पूरे प्रोग्राम का लुत्फ उठाया है। मैं उन्हें धन्यवाद भी दूंगा साथ में इसके, और खासकर मौलक जी और ये दादरा नगर हवेली सिलवास की जो पंजाबी एसोसिएशन है, उन्होंने जिस दमखम के साथ, जिस जोश और होश के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, सचमुच ये काबिले तारीफ है। और मैं भापी पंजाबी एसोसिएशन की तरफ से ही नहीं बल्कि सारे समाज की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी तरफ से मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो उन्होंने तकलीफ उठाई और इतना इंटरेस्ट लिया। धन्यवाद। ये लोहड़ी खुशियों का त्यौहार है और इसमें सभी हमारे भाई बहन एक एंजॉय कर रहे हैं और खुशी बना रहे हैं, इतना ही बोलूँगा मैं। धन्यवाद।